करेंट अफेयर के 25 टॉपिक्स हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यह फर्स्ट वीडियो है, पार्ट फर्स्ट है और 25 टॉपिक्स हैं। फर्स्ट टॉपिक इसका हम लोग देखते हैं कि राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020-21 स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जारी किया है। और यह जो जारी किया हुआ है 0 से 100 अंक के लिए दिया गया है। तो 0 का मतलब हो गया सबसे खराब, 100 का मतलब हो गया सबसे ज्यादा अच्छा। आप देखते होंगे कोई भी खाद्य पदार्थ लेते होंगे तो उस पे FSSAI लिखा होता है। यही जो है रेगुलेट करता है कि वो खाद्य पदार्थ जो है कितना स्टैंडर्ड मेंटेन किए हुए हैं। अपने भारत में गुजरात को 72 अंक मिला है और यह सबसे नंबर वन पर है खाद्य सुरक्षा के लिए। फिर केरला, फिर तमिलनाडु और अपने बिहार को 20 रैंक मिला हुआ है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं और इस बार का जो थीम था सेफ फूड टूडे फॉर अ हेल्दी टुमारो। इसी तरह के हम लोग 25 टॉपिक्स देखेंगे इस वीडियो में। और जो आने वाले आगामी परीक्षा है कोई भी हो, वो बीपीएससी का परीक्षा हो, एसआई परीक्षा हो या कोई भी स्टेट का भी परीक्षा हो, उसमें यदि करेंट अफेयर के क्वेश्चंस आते हैं तो ये जो टॉपिक्स हैं काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। टॉपिक सेकेंड, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क इंडिया रैंकिंग 2021 जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा जारी किया गया था, इसमें आईआईटी मद्रास को 86.76 पॉइंट के साथ नंबर फर्स्ट पे रखा गया था। अर्थात कि जो भारत का सबसे नंबर वन इंस्टीट्यूट है वो है आईआईटी मद्रास, फिर आईआईसी बेंगलुरु, आईआईटी बॉम्बे। और मिनिस्ट्री देखिए, पहले जो एचआरडी था ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री जो था उसे अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कन्वर्ट कर दिया गया है उसका नाम। सेकेंड टॉपिक ये रहा अपना। थर्ड टॉपिक है आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का अमृत महोत्सव जो है हमने लॉन्च किया 12 मार्च 2021 को और यह चलेगा 15 अगस्त 1923 तक, टोटल 75 वीक्स के लिए। 12 मार्च यह वही डेट है जब 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती से दांडी यात्रा के लिए अपना अभियान चलाया था। हम लोग जो है 2022 में 75 साल अपने इंडिपेंडेंस के मनाएंगे, हमारा 75वां साल होगा, इसलिए हमने 12 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा साबरमती में ही आज़ादी का अमृत महोत्सव लॉन्च किया गया था। तो इसमें दो फैक्ट्स हैं, यह कब लॉन्च किया गया आज़ादी का अमृत महोत्सव, 12 मार्च 2021 को, 15 अगस्त 2023 तक चलेगा, कितना 75 वीक। और यह हम क्यों मना रहे हैं, क्योंकि जो हमारा 2022 है वो 75वां इंडिपेंडेंस डे होगा। टॉपिक फोर, सुजलाम अभियान। यह जो है स्टार्ट 25 अगस्त 2021 को किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा। इसका उद्देश्य है ODF सस्टेनेबिलिटी के लिए। देखिए हम लोगों ने तो ODF कर दिया, यानी कि ओपन डिफेक्शन जो है हम लोगों ने अचीव कर लिया है लगभग, लेकिन जो अचीव कर लिए हैं उसको सस्टेनेबल और कंटिन्यू भी तो रखना है कि फिर से ना हम लोग वो करने लगे। तो सुजलाम अभियान किससे रिलेटेड है, तो ODF से रिलेटेड है। और इसको लॉन्च किसने किया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने किया है। यह भी एक नई मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। इंदौर भारत का पहला जल आधिक्य शहर हुआ है, वाटर प्लस सिटी। वाटर प्लस सिटी का मतलब यह हो गया, मान लीजिए कि इंदौर को हर एक रोज उसको चलाने के लिए 100 लीटर पानी चाहिए, लेकिन यहां पर 110 लीटर है पानी, तो इसको हम लोग कहेंगे सरप्लस वाटर वाला सिटी, यानी कि वाटर प्लस सिटी है। लेकिन मान लीजिए कि दिल्ली जैसा शहर है या चेन्नई जैसा जो शहर है उसको चाहिए 100 लीटर प्रत्येक दिन, लेकिन उसको अवेलेबल होता है 30 लीटर, तो वो डिफिशिएट हो जाता है। तो भारत में पहला ऐसा शहर हुआ है इंदौर जिसमें कि वाटर प्लस सिटी का नाम उसको दे दिया गया है, क्योंकि वहां पर खपत से ज्यादा पानी की अवेलेबिलिटी है। और इंदौर ही भारत का सबसे स्वच्छ सिटी भी है और लगातार यह चौथी बार हासिल किया हुआ है, अपना पोजीशन मेंटेन किए हुए हैं। तो टॉपिक फाइव जो था इंदौर से रिलेटेड था। नेक्स्ट टॉपिक सिक्स है, सिक्किम की राज मछली जो है अभी हम लोगों ने डिक्लेयर किया है कॉपर महासीर को, इसे स्थानीय भाषा में कैटली कहते हैं और IUCN इसका जो कैटेगरी है यानी कि IUCN लिस्ट में यह इंडेंजर्ड के लिस्ट में है। कॉपर महासीर काफी इंपॉर्टेंट मछली है, कावेरी में भी महासीर मिलती है, बहुत स्टेट में महासीर मिलती है, इवन हिमाचल प्रदेश में भी महासीर मिलती है, लेकिन अलग अलग मिलती है। तो यह जो सिक्किम की राज मछली है वो कॉपर महासीर है, जिसको कि स्थानीय भाषा में कैटली कहते हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 जो है यह महोबा उत्तर प्रदेश से जारी किया गया था
और इसमें 1 करोड़ अतिरिक्त एलपीजी डिस्ट्रीब्यूट करना है। और हम लोग जानते हैं बहुत अच्छे से कि पीएम उज्ज्वला योजना जो था, पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फर्स्ट जब लॉन्च किया था इन्होंने 1 मई 2016 को बलिया उत्तर प्रदेश से ही किया था, स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन यह नारा है। उज्ज्वला योजना का क्या नारा है, कई बार कोटेशन भी पूछ लेते हैं ना, तो उज्ज्वला योजना का जो कोटेशन है या नारा है वह है स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 से रिलेटेड हम लोगों ने फैक्ट देखा कि कहां पर लॉन्च हुआ था, महोबा उत्तर प्रदेश में, और इसमें 1 करोड़ अतिरिक्त एलपीजी को देना है। और पीएम उज्ज्वला योजना जो पहली बार था वो 1 मई 2016 को लॉन्च हुआ था बलिया उत्तर प्रदेश से, इसका नारा है स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन। और 10 अगस्त को हम लोग वर्ल्ड बायोफ्यूल डे मनाते हैं, विश्व जैव ईंधन दिवस जो है 10 अगस्त को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो ये इसका फैक्ट था। टॉपिक 8, शून्य अभियान, शून्य कैंपन, यह नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। नीति आयोग का फुल फॉर्म भी जान लीजिए, कई लोग भूल जाते हैं और यह एग्जामिनेशन में पूछ लेता है। नेशनल इंस्टीट्यूशन है, यहीं पर लोग गड़बड़ करते हैं, इंस्टीट्यूट नहीं है। जैसे कि इंस्टीट्यूट जो होता है ना, आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट होता है, वो इंस्टीट्यूट है आईआईटी, लेकिन यह आईआईटी नहीं है, यह इंस्टीट्यूशन है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो जैसे आईआईटी और नीति को इस तरह से करके देखेंगे ना, तो इसमें आईआईटी वाला स्पेलिंग नहीं आएगा, इसमें आईआईटी के अपोजिट वाला स्पेलिंग आएगा। जैसे आईआईटी में इंस्टीट्यूट आता है, यहां पर इंस्टीट्यूशन आएगा, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है। और इसका उद्देश्य है उपभोक्ताओं एवं उद्योग के साथ मिलकर शून्य प्रदूषण आपूर्ति वाहनों को बढ़ावा देना, यानी कि जो, और इसका उद्देश्य जो होगा वो शहरी क्षेत्र में इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा दें। देखिए, शून्य अभियान, सबसे पहले शून्य अभियान नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया, इसका उद्देश्य क्या है भाई, कि इसका उद्देश्य है कि अभी जो है शहर क्षेत्र में इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देना। और इलेक्ट्रिक व्हीकल को जब हम लोग बढ़ावा देंगे तो इससे क्या होगा कि प्रदूषण जो होगा वो कम होगा, तो यही इसका उद्देश्य है शून्य अभियान का। टॉपिक 9 जो है, सिंधु सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहाँ खोली जा रही है, तो लद्दाख में खोली जा रही है। तो ये टॉपिक 9 जो है, सिंधु सेंट्रल यूनिवर्सिटी पूछ दिया जाएगा कि सिंधु सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहाँ है, और 4 ऑप्शन दे देंगे, तो हमें आंख बंद करके लद्दाख लगा लेना है। टॉपिक 10 जो है, उमलिंग ला दरा, उमलिंग ला दरा विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग सड़क अब बन गई है, 19,300 फीट ऊंची लद्दाख में है यह, और इसे BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है। इसका निर्माण जो है प्रोजेक्ट हिमांक के द्वारा हुआ है। तो प्रोजेक्ट हिमांक क्या है वो हम लोग देख लेंगे आगे। और यह जो है 52 किलोमीटर है, जो उमलिंग ला दरा जो है जिसको बनाया गया है वो 52 किलोमीटर की है, लद्दाख के चिसुमले गांव को देमचोक गांव को जोड़ेगी, चिसुमले और देमचोक दोनों गांवों को। यह जो उमलिंग ला दरा है जो कि विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग सड़क बनी है, यह जोड़ेगी, 52 किलोमीटर है। और प्रोजेक्ट हिमांक जो है 1985 में लॉन्च किया गया था लद्दाख के लिए, कि लद्दाख में कैसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करें। तो यह जो सड़क बनी हुई है वो प्रोजेक्ट हिमांक के ही थ्रू बनी हुई है, और यह कोई नया प्रोजेक्ट नहीं है। प्रोजेक्ट हिमांक का जो लॉन्च है वो 1985 में ही हुआ था। लद्दाख के बारे में और देख लेते हैं, ऑलरेडी इसमें हम लोगों ने लद्दाख के बारे में जाना। लद्दाख के बारे में 2 चीज़ जानते हैं, स्टेट एनिमल और स्टेट बर्ड। स्टेट एनिमल जो है स्नो लेपर्ड है, जो कि IUCN के रेड लिस्ट में वल्नरेबल है। और इसका जो बर्ड है ब्लैक नेक्ड क्रेन है, जो कि नियर थ्रेटेंड है। देखिए, क्रेन ही है लेकिन यह ब्लैक नेक्ड है। जैसे आप पक्षियों से लव करते हैं या पक्षियों के बारे में जानना चाहते हैं, तो इनका नाम भी रोमांटिक टाइप का होता है, जैसे फ्लेमिंगो, और वो डिफरेंट नाम होंगे, जैसे कि ब्लैक नेक फ्लेमिंगो, रेड हेड फ्लेमिंगो, और उसके नेक पर कोई नाम होगा, उसके फिदर पर नाम होगा, और फ्लेमिंगो फ्लेमिंगो जोड़ा जाएगा। जैसे क्रेन जो है वो उत्तर प्रदेश का भी स्टेट बर्ड है, लेकिन वो अलग वाला क्रेन है, लेकिन ये जो स्पेशल क्रेन है इसका जो नेक होगा वो ब्लैक होगा, तो ये है स्टेट बर्ड। तो हम लोगों ने लद्दाख के एनिमल, स्टेट एनिमल को देखा, स्नो लेपर्ड जो कि वल्नरेबल कैटेगरी में है,
और इसका जो स्टेट बर्ड है ब्लैक नेक क्रेन है, जो कि नियर थ्रेटेंड है। अब जम्मू कश्मीर को यहीं पर देख लेते हैं, इसका जो स्टेट एनिमल है कश्मीर का वो कश्मीरी स्टेग या जिसे हंगुल भी कहते हैं, दाचिंगम जो नेशनल पार्क है वहां पे पाया जाता है, और इसका भी जो स्टेट बर्ड है वो ब्लैक नेक्ड क्रेन है, यानी कि दोनों यूनियन टेरिटरी में मिलता है। तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों का जो बर्ड है वो ब्लैक नेक्ड क्रेन है, लेकिन एनिमल जो है लद्दाख का स्नो लेपर्ड है और इसका जो जम्मू कश्मीर का स्टेट एनिमल है वो कश्मीरी स्टेग या इसे हंगुल कहते हैं स्थानीय भाषा में। तो यह अपना टॉपिक 10 रहा। नेक्स्ट इसी में हम लोग देख लेते हैं, चूंकि स्नो को देखे हैं तो वर्ल्ड स्नो लेपर्ड डे जो है 23 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं, और प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड हमने 2009 में लॉन्च किया था, जैसे कि हमने प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च 1973 में किया था। प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो 1973 में किया था, उसी तरह से हम लोगों ने स्नो लेपर्ड को कंजर्व करने के लिए, बचाने के लिए 2009 में प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड भी लॉन्च किया है। टॉपिक 11 ई रूपी। 2 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री ने इसे जारी किया। ई रूपी है क्या? व्यक्ति विशिष्ट और उद्देश्य विशिष्ट एक डिजिटल भुगतान समाधान है, अ पर्सन एंड अ पर्पस स्पेसिफिक डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन है, जिसे एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया। टॉपिक 12 सहकारिता मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन 6 जुलाई 2021 को सहकार से समृद्धि के विजन को साकार करने के लिए नया मंत्रालय बनाया गया है। जैसे कि जल शक्ति मंत्रालय नई मंत्रालय है, उसी तरह से सहकारिता मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन एक नई मंत्रालय 6 जुलाई 2021 को भारत सरकार के द्वारा बनाई गई, और इसका विजन है, विजन इसका यह है कि सहकार से समृद्धि यानी कि कोऑपरेशन से डेवलपमेंट की तरफ। और यह जो मंत्रालय के अभी जो हेड है वो अमित शाह ही है, अमित शाह जो है होम मिनिस्टर भी अपने पास रखते हैं, और यह जो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन के भी जो हेड है यानी कि मिनिस्टर है वो अमित शाह ही है। तो यह सहकारिता मंत्रालय से रिलेटेड कुछ डेटा है, कुछ फैक्ट है। अब देखते हैं कि सहकारिता के महत्व को बढ़ावा देने के लिए यूनाइटेड नेशन का जो जनरल असेंबली है वो 2021 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेशन भी घोषित किया है। तो 2021 जो है यूनाइटेड नेशन के लिए कौन सा ईयर है? तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेशन। तो हमें भी तो कुछ करना था, तो हमने अपना एक मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन भी बना लिया। 3 जुलाई को इंटरनेशनल कोऑपरेशन डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। टॉपिक 13 भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क रन ऑफ कच्छ में 4750 मेगावाट का बनाने वाला एनटीपीसी जो है, और एनटीपीसी जो है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन होता है, लेकिन एक और इन्होंने अपना कंपनी बनाया है उसी के अंतर्गत, और उसका नाम रखा है एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, और यह 100% रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में काम करेगी। देखिए ये ऐसा नहीं है कि पहले कोयला जलाकर बिजली पैदा करता था तो अब भाई अच्छा बनने के चक्कर में हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी करने लगे। देखिए कोयला भी जला के बिजली पैदा करना है और रिन्यूएबल पर भी फोकस करना है, क्योंकि अब जो फ्यूचर है वो रिन्यूएबल का है। लेकिन ऐसा ये पागल नहीं है एनटीपीसी की एक ही बार वो अच्छा बनने के चक्कर में कोयला जलाना छोड़ दें, क्योंकि बिना कोयला जलाए तो हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी ही नहीं। तो अब आपको ध्यान में रखना है कि एनटीपीसी के पास दो चीज है, एक एनटीपीसी और एक एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, जो कि रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में काम करेगा। तो भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क जो है वो रन ऑफ कच्छ में है, और यही जो एनटीपीसी है यह भारत के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र का भी, जो कि 25 मेगावाट का है, फ्लोटिंग सोलर प्लांट का भी स्थापना करता है विशाखापत्तनम में, और यह एनटीपीसी ही करता है, लेकिन यह एनटीपीसी करता है। ओके, यानी कि जो कोयला जलाता है ना वो एनटीपीसी करता है इसको। तो धीरे धीरे नहीं, अब चूंकि पैसा एनटीपीसी के पास है तो एनटीपीसी इन्वेस्ट अभी रिन्यूएबल में भी कर रहा है। तो एनटीपीसी 2032 तक 60 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट रखा है। यह भी कॉन्सेप्ट जान लेना होगा कि एनटीपीसी ने 60 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट रखा है 2032 तक, और यह जो टारगेट है किसके द्वारा पूर्ण किया जाएगा? तो एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के द्वारा पूर्ण किया जाएगा। तो टॉपिक 13 और 14 में हम लोगों ने देखा कि भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क रन ऑफ कच्छ है, जो कि एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा बनाया गया है,
और 14वां जो टॉपिक था कि भारत के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र जो है विशाखापत्तनम में एनटीपीसी ने ही एस्टेब्लिश किया है और 2032 तक 60 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट एनटीपीसी ने रख लिया है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं 15वां जो है थर्ड एसडीजी इंडिया इंडेक्स जो है एंड डैशबोर्ड 2020-21 जारी किया गया नीति आयोग के द्वारा। कई बार पूछा जाता है कि एसडीजी इंडेक्स इंडेक्स इंडिया इंडेक्स कौन जारी करता है, तो नीति आयोग करता है। मैंने इस पर एक सेपरेट वीडियो भी बना रखा है, इसमें 115 संकेतकों को प्रयोग में लाया गया था और 16 एसडीजी को कंसीडर किया गया था जिसमें कि 70 उप लक्ष्यों को साथ में रखा गया था। देखिए हम लोग जानते हैं कि एसडीजी जो है उसमें 17 टारगेट है और 169 जो है एसडीजी के सॉरी 17 गोल हैं एसडीजी के। एसडीजी में दो चीज है, एक गोल्स है और एक टारगेट्स है। तो गोल्स 17 है और टारगेट 169 है। तो हमने अभी अपना यह एसडीजी इंडिया इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2020-21 जारी करने के लिए 115 संकेतकों को प्रयोग में लिया जिसमें कि एसडीजी का 16 एसडीजी गोल लिए और 70 इसके उप लक्ष्य यानी कि टारगेट को लिए और फिर हमने 0 से 100 का स्केल बनाया। 0 से 49 का मतलब हो गया एस्पिरेंट आकांक्षी स्टेट आएंगे और इसमें कोई नहीं है। 50 से 64 के बीच में है कि अच्छा प्रदर्शन कर रहा परफॉर्मर और 65 से 99 का मतलब हो गया कि अग्रणीय और 100 का मतलब हो गया कि इसने अचीव कर लिया है। तो हमने इसमें भी कोई नहीं रखा है और 100 में भी कोई नहीं रखा है क्योंकि सबको हम लोगों को लेके चलना है। तो जैसे देखिए 50 से 64 अंक किसको मिला है, राजस्थान यूपी असम झारखंड बिहार ये सब हैं और जितने सारे स्टेट अपने आएंगे इसी में होंगे। मैं दिखा दे रहा हूँ जैसे मणिपुर एमपी वेस्ट बंगाल ये है, छत्तीसगढ़ नागालैंड उड़ीसा ये है, आंध्र प्रदेश ये अरुणाचल प्रदेश यहाँ होगा और आंध्र प्रदेश यहाँ है 65 से 99 वाले में, मेघालय और 65 से 99 वाले में केरला हिमाचल प्रदेश तमिलनाडु आंध्र प्रदेश गोवा कर्नाटका उत्तराखंड सिक्किम ये सब आ गए। फिर से महाराष्ट्र गुजरात तेलंगाना मिजोरम पंजाब हरियाणा और त्रिपुरा ये अग्रणीय स्टेट में है। तो बिहार कहाँ है भाई, वो 50 से 60 वाले अंक में है यानी कि यह अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। ये देखना होगा जब एग्जामिनेशन में पूछा जा रहा है। तो फिर से इसको देखते हैं एक बार, एसडीजी इंडिया इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2020-21 नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया था। इसमें 115 संकेतकों को प्रयोग में लिया गया था, 16 एसडीजी और 70 उसके उप लक्ष्यों को साथ में लेकर, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एसडीजी जो है 2015 से 2030 तक यूएन के द्वारा लाया गया था जिसमें कि 17 गोल और 169 टारगेट्स थे। 0 से 100 स्कोर पर हम लोगों ने एसडीजी इंडिया इंडेक्स को डिवाइड किया है जिसमें कि 0 से 49 का एक हमने टेबल बनाया है, 50 से 64 बनाया है, 65 से 99 बनाया है और 100 बनाया है। तो हमने इसमें भी किसी स्टेट को नहीं रखा है और 100 में भी किसी स्टेट को नहीं रखा है। हमने 50 से 64 के बीच में इतने सारे स्टेट को रखे हैं। अभी मैंने नाम लिया जैसे मणिपुर मध्य प्रदेश वेस्ट बंगाल छत्तीसगढ़ नागालैंड उड़ीसा अरुणाचल प्रदेश मेघालय और राजस्थान यूपी असम झारखंड और बिहार और फिर हमने 65 और 99 के बीच में रखा है केरला और केरला इसमें टॉप किया था, हिमाचल प्रदेश तमिलनाडु आंध्र प्रदेश गोवा कर्नाटका उत्तराखंड सिक्किम महाराष्ट्र गुजरात तेलंगाना मिजोरम पंजाब हरियाणा और त्रिपुरा और इसमें टॉप किया था केरला, सेकेंड एचपी यानी कि हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु 74 अंक के साथ, फोर्थ किया था आंध्र प्रदेश गोवा कर्नाटका उत्तराखंड 72 पॉइंट सबको मिले, तो आठवें नंबर पर सिक्किम हो जाएगा 71 के साथ और इसी तरह से हमारा जो बिहार है 28वें और सबसे नीचे था, इसको 52 अंक मिले थे। तो ये डेटा याद कर लेना होगा। झारखंड को 27वां रैंक है जो कि 56 अंक के साथ है। तो यह एसडीजी इंडिया इंडेक्स रहा। टॉपिक 16 देखते हैं, अम बोली जैव विविधता विरासत स्थल में इसे शामिल कर लिया गया है, बायो डायवर्सिटी हेरिटेज साइट में, यह सिंधु दुर्ग जिला महाराष्ट्र में है अम्बोली। टॉपिक 17 सुजल जो है एक योजना है जो कि नल से पेयजल मिशन है। यह सुजल जो है यह उड़ीसा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था पुरी में और भारत का यह पहला सिटी है जहां पर कि 24 घंटे पेयजल प्राप्त होंगे और यह
पूरी जो है वर्ल्ड के कुछ ही ऐसे सिटी हैं जहां पर की पेयजल उपलब्ध होती हैं, जैसे कि लंदन है, न्यूयॉर्क है, सिंगापुर है। अब जो है पूरी अपना वो ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन, यानी कि टैप वाटर से, नल के जल से हम लोग पानी पी सकते हैं और वो पानी पीने लायक होगा। और पूरे पूरी शहर में यह योजना चालू की गई है। तो सुजल योजना क्या है भाई? तो वो टैप वाटर से, यानी कि पीने योग्य पानी से है। और इसने इसे किसने जारी किया था, इसने किसे लॉन्च किया था? तो ओडिशा गवर्नमेंट ने कहाँ लॉन्च किया है? पुरी में किया है। तो यह इसका कुछ कॉन्सेप्ट था। टॉपिक 18, युवा प्रधानमंत्री योजना। युवा का फुल फॉर्म होता है यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल अथर। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसे लॉन्च करती है। 30 वर्ष से कम युवाओं को ले जो 30 वर्ष के कम युवा हैं और वो लेखक हैं, तो उनको प्रशिक्षित करने के लिए। युवा किसके लिए है भाई? 30 वर्ष से कम लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए। युवा का फुल फॉर्म होता है यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल अथर्स। और युवा जो है किसने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से। डायरेक्ट पूछा जाएगा कि युवा जो योजना है किससे रिलेटेड है? तो 30 वर्ष से कम लेखकों को, 30 वर्ष से जिनकी कम उम्र है और वो लेखक हैं, उनको प्रशिक्षित करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा की गई है। नेक्स्ट टॉपिक 19 देखते हैं। सघन मिशन इंद्रधनुष 3.0। फर्स्ट जो है इंद्रधनुष, मिशन इंद्रधनुष 25 दिसंबर 2014 को लॉन्च हुआ था। 25 दिसंबर जो है गुड गवर्नेंस डे भी हम लोग मनाते हैं अपने इंडिया में, और 25 दिसंबर को ही अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन भी है। मिशन इंद्रधनुष नाम से हमने यूनिवर्सल टीकाकरण लॉन्च किया था। और 2 वर्ष से कम बच्चे एंड गर्भवती जो विमेन है उनके लिए 100% टीकाकरण करने का हमने विड़ा उठाया था। तो सघन मिशन इंद्रधनुष अभी 3.0 जारी है। तो मिशन इंद्रधनुष किससे है? यूनिवर्सल टीकाकरण से है। और इसमें यूनिवर्सल टीकाकरण किनको देंगे हम? तो 2 वर्ष से कम के जो बच्चे हैं और जो प्रेग्नेंट वीमेन्स हैं। टॉपिक 20, अटल इनोवेशन मिशन। नीति आयोग जो है इसे जारी करता है। पहली बार 2019 में जारी किया गया था। 20 जनवरी 2021 को सेकेंड बार यह जारी किया गया था, क्योंकि 2020 में जारी नहीं कर पाया गया था अटल इनोवेशन मिशन। तो यह सेकेंड इसका, मतलब कि सेकेंड इसका एडिशन है अटल इनोवेशन मिशन का। तो इसमें यह जानना होगा कि अटल इनोवेशन मिशन जो है कौन जारी करता है? तो नीति आयोग जारी करता है। और इसका उद्देश्य क्या है कि स्कूल से लेकर उद्योग के स्तर तक नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देना, इनोवेशन को बढ़ावा देना। यह जो है स्कोर देता है 0 से 100। 0 का मतलब हो गया सबसे खराब और 100 का मतलब हो गया सबसे अच्छा। फर्स्ट रैंक पर केरला है जिसको कि 42.5 दिया गया है, फिर महाराष्ट्र, फिर तमिलनाडु, और बिहार लास्ट पर है, इसको 14.48 दिया गया है और इसे 17वां रैंक दिया गया है। ओके, क्योंकि 17वां रैंक का मतलब ये हुआ कि एक ही रैंक पर और भी बहुत सारे लोग आ जाएंगे और ये 17वां नंबर पे हैं। तो देख लेना होगा कि अटल इनोवेशन रैंक में बिहार जो है सबसे लास्ट में है और इसको 14.48 अंक मिला हुआ है। और सबसे अच्छा जो है कर्नाटका है जिसको कि 42.5 मिला है। और अटल इनोवेशन मिशन का मतलब क्या है कि स्कूल से लेकर उद्योग के स्तर तक नवाचार यानी कि इनोवेशन को बढ़ावा देना है। नाम में ही इनोवेशन है तो इनोवेशन को बढ़ावा देना। टॉपिक 21, डोभी जो कि बिहार में है और दुर्गापुर वेस्ट बंगाल। यह पाइपलाइन 348 किलोमीटर गेल इंडिया के द्वारा बनाया गया है जो कि प्राकृतिक गैस पाइपलाइन है। तो डोभी दुर्गापुर जो है किसने बनाया है? तो गेल इंडिया ने। टॉपिक 22, लाइट हाउस प्रोजेक्ट। 6 राज्यों में 6 स्थानों पर 6 अलग-अलग टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके लाइट हाउस प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था। तो इसमें स्टेट और उसका जगह देख लेते हैं कि कहां पर किया गया था लाइट हाउस प्रोजेक्ट। अगर तल्ला त्रिपुरा, रांची झारखंड में किया गया, इंदौर मध्य प्रदेश, लखनऊ उत्तर प्रदेश, राजकोट गुजरात, चेन्नई तमिलनाडु में लाइट हाउस प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। नेक्स्ट टॉपिक 23 देखते हैं। इंडिया बांग्लादेश। इंडिया बांग्लादेश 26 मार्च से लेकर 27 मार्च 2021 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश में जाते हैं। और कोविड-19 के बाद यह इनका पहला यात्रा था। 1000 सुवर्णो जयंती छात्रवृत्ति। सुवर्णो जयंती छात्रवृत्ति जो है वो बांग्लादेश के स्टूडेंट को भारत में पढ़ने के लिए
दिया गया है और यह 1,000 बांग्लादेशी छात्रों को दिया जाएगा कि आप आइए और पढ़िए हमारे भारत में। भारत 6 दिसंबर को मैत्री दिवस मनाएगा क्योंकि बांग्लादेश को औपचारिक मान्यता 6 दिसंबर को ही दिया गया था। 26 मार्च को बांग्लादेश के जो शेख मुजब्बुर रहमान थे उन्होंने आज़ादी घोषित कर लिया था कि हम पाकिस्तान के अब अंडर में नहीं हैं, और हम लोगों ने इन्हें 6 दिसंबर को रिकॉग्नाइज किया, इसलिए हम लोग मैत्री दिवस अब सेलिब्रेट करेंगे। और 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश यानी कि जो पाकिस्तान की आर्मी थी वो इंडिया के सामने सरेंडर कर दी थी, तो यह विजय दिवस मनाया जाता है 16 दिसंबर को। तो तीन डेट याद रखना है, बांग्लादेश की आज़ादी 26 मार्च को ही शेख जो मुजब्बिर रहमान है उनके द्वारा की जा चुकी थी। 6 दिसंबर को हम भारत के लोगों ने इन्हें रिकॉग्नाइज किया कि नहीं अब बांग्लादेश एक देश है, ओके। और 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान की जो सैनिक है वो हार जाती है क्योंकि हम लोग फिर लड़ाई कर लेते हैं, क्योंकि जैसे ही हमने कहा कि नहीं बांग्लादेश एक अलग देश है तो पाकिस्तान वाले लोग हम लोगों से लड़ना स्टार्ट कर दिए हैं, और 16 दिसंबर को उनको हराया। मैत्री एक्सप्रेस जो है न्यू जलपाईगुड़ी वेस्ट बंगाल से ढाका के बीच में चलाई गई है। मैत्री सेतु 1.9 किलोमीटर फेनी रिवर पर हमने बनाया है। सबरूम जो त्रिपुरा से रामगढ़ बांग्लादेश को जोड़ती है, तो मैत्री सेतु कितना इसका लेंथ है 1.9 किलोमीटर है, और यह किस नदी पर है, फेनी नदी पर है, और यह दो जगह सबरूम जो कि त्रिपुरा में है और रामगढ़ जो बांग्लादेश में उसको जोड़ती है। अब हम लोग देखते हैं कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में 5 रेल लिंक अभी चलती हैं। नंबर फर्स्ट है हल्दीबाड़ी चिल्हाटी, हल्दीबाड़ी इंडिया में है और चिल्हाटी जो है बांग्लादेश में है। पेट्रापोल एंड बेनापोल, पेट्रापोल नॉर्थ 24 परगना में है। गेदे एंड दर्शन, गेदे नदिया जिला में है। सिंघाबाद और रोहनपुर, सिंघाबाद जो है वो मालदा में है। राधिकापुर टू बिरौल उत्तर दिनाजपुर में है, उत्तर दिनाजपुर यानी कि वेस्ट बंगाल में। तो ये 5 जो रेल लिंक है वो इंडिया और बांग्लादेश को जोड़ती हैं। ऑपरेशन देवी शक्ति, अफगानिस्तान पर तालिबान ने जब 16 अगस्त 2021 को, ये 15 अगस्त को ही तालिबान ने काबुल पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया था, तब हम लोगों ने 16 अगस्त को अपने लोगों को, भारतीय लोगों को लाने के लिए अफगानिस्तान से ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया था। तो ऑपरेशन देवी शक्ति क्या है भाई, तो अफगानिस्तान से भारतीयों को ले आना, क्योंकि अफगानिस्तान पर तालिबान के नियंत्रण के चलते भारत के लोगों को भारत में ले आना ऑपरेशन देवी शक्ति के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट टॉपिक 25 है एवर गिवेन जो है 2,24,000 टन का एक मालवाहक था जो कि चीन से पोर्ट राटेडम जो है नीदरलैंड में है, वो चीन से राटेडम जा रहा था और वो स्वेज नहर में फंस गया था 23 मार्च 2021 को। इसका मालिक जो था वो सोई किसेन कैसा जापान का था। एवर गिवेन जो था काफी न्यूज में था, एवर गिवेन का मालिक कौन था, जापान का था, और यह चीन से रोटेडम जा रहा था और स्वेज नहर में फंस गया था। तो हमें यह भी जान लेना होगा कि स्वेज नहर कहाँ पड़ता है, रेड सी और मेडिट्रियन सी को जोड़ता है स्वेज नहर। तो यह अपने टोटल 25 टॉपिक्स हुए। इसी तरह से नेक्स्ट जो पार्ट आएगा उसमें कुछ टॉपिक्स होंगे करेंट अफेयर के, हो सकता है कि आपको ये करेंट अफेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट लगे और आपको इससे फ़ायदा हो। सो थैंक्स एंड टेक केयर।